वेलकम टू अपडेट जीके गाइस। आज की इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 34 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले अपडेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नया वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। यह हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 34 होगा। एग्ज़ाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ऑप्शन है आपके फारूक जफर, ऑप्शन बी तापसी पन्नू, ऑप्शन सी तिलोत्तमा सोम, ऑप्शन डी आलिया फर्नीचर वाला। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फारूक जफर। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई जिसके द्वारा वे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों GI सेक्टर को सीधे खरीद और बेच सकते हैं। ऑप्शन है आपके RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, GSEC ऑन सेल स्कीम, RBI इन्वेस्ट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका ये सही हो जाएगा, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना डैश में स्थापित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम विद्युत परियोजना लद्दाख में स्थापित की जाएगी, ऑप्शन बी इज राइट। चौथा क्वेश्चन, मोदी सरकार में निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह सर्वप्रथम IAS अधिकारी कौन है जिसने पैरालंपिक पदक जीता। सुमित अनितिल, सुहास यथिराज, देवन झांझड़िया, कृष्णा नागर, ऑप्शन बी सुहास यथिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, छठा क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्निर्मित किया गया। भरूच, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्निर्मित किया गया, ऑप्शन बी होशंगाबाद। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी सेवाएं कहां से शुरू की गई हैं। हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी चंडीगढ़। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम देसी विकसित DNA प्लामिट टीका है। जैकोब डी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इनमें से कोई नहीं। भारत का प्रथम देसी विकसित DNA प्लामिट टीका है, जैकोब डी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखिएगा, बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली नई पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है। विशाल भारद्वाज, गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, उदय भाटिया। ऑप्शन डी उदय भाटिया। गाइस अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गाइस, कि बॉक्साइट अयस्क है लोहे का, एल्यूमिनियम का, चांदी का, मरकरी पारे का। बॉक्साइट अयस्क है
ऑप्शन ए लोहे का। गाइस अगला क्वेश्चन, किसे लॉफिंग गैस यानी कि हार्स गैस के रूप में जाना जाता है? SO2, N2O, CO, CH4। लॉफिंग गैस हार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन वी N2O। गाइस अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? उदरी गुहा, मुख गुहा, हृदयवाहिनी गुहा, वक्षी गुहा। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? वक्षी गुहा। तो टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? ऑप्शन है आपके कोरोनरी अटैक, संवहनी विस्फारण, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में अवरोधक और हाइपरटेंशन, निम्न रक्तचाप और या फिर हाइपोटेंशन, हृदयाघात। कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन वी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन, अरबी एम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है ये कहाँ पर उगता है? जमीन की सतह पर, जमीन के अंदर, जलीय सतह के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। अरबी एम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है ये कहाँ पर उगता है? ऑप्शन वी जमीन के अंदर। गाइस अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत हैं विटामिन सी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर रोग होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस 18वां क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की शुरुआत में 1906 में डैश में गठित किया गया था? बर्मा, ढाका, कोलंबो, काठमांडू। मुस्लिम लीग की शुरुआत में 1906 में गठित किया गया था। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ढाका। गाइस अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना में टेस्ट में की गई थी? बेंगलोर 1964, मद्रास 1864, कोची 1974, विशाखापट्टनम 1874। ऑप्शन वी मद्रास 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला 30,000 अदालत दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, संसद दिल्ली में, गवर्नर जनरल हाउस दिल्ली में। ऑप्शन सी संसद दिल्ली में। गाइस अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। बी है संसद के सदस्य और उपराष्ट्रपति। सी है केवल लोकसभा के सदस्य। डी है केवल राज्य विधानमंडलों के सदस्य। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। 22वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 77वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए राइट। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, नीलभ संजीव रेड्डी, जीवी मावलंकर, बलिराम भगत। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन सी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 315। ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस क्वेश्चन है, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नीति आयोग। गाइस अगला क्वेश्चन, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6,500.3 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर,
5,100.5 किलोमीटर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन वी 7,516.6 किलोमीटर। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय राज्य को पांच नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? हरियाणा, यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टता पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं। पारिस्थितिकी जैव विविधता, जातीय प्रचुरता, पारिस्थितिकी अनुक्रम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी पारिस्थितिकी अनुक्रम। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? ऑप्शन ए जगदीश प्रभु ईश, श्वान शाह कुकुर, काकपाली कोयल कोकिल, शुग्गा पिक मधु। ऑप्शन डी शुग्गा पिक मधु। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अच्छा काम बिगाड़ जाना, बेईमानी करना, सर्वस्व नष्ट करना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन डी इज राइट, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। गाइस अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, द्वंद समास। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो पाप पुण्य जो है गाइस ये द्वंद समास के उदाहरण है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में विलोम युग्म है? निर्मल, निर्मूल, सापेक्ष, निरपेक्ष, घटना, घटाना, पर्याप्त, पर्याप्त। ऑप्शन वी सापेक्ष, निरपेक्ष। सो गाइस अगला क्वेश्चन, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कड़वी बातें सुनने वाला, कटुवासी, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा, चतुर्थार्थ, देश के प्रति भक्ति रखने वाला, देशभक्त, हिसाब किताब लिखने वाला, लेखपाल। कड़वी बातें सुनने वाला, कटुवासी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? यह आपको बताना है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जगदीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको यह बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मैं केवल इतना चाहता हूं, ऑप्शन सी इज राइट। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, जो भी मैं आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आप लोगों ने उसने सॉल्व कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं राजस्थान जीके, जीके जीएस टीचिंग एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। बस जो मैं कह रहा हूं, सारे वीडियो देख रहा करीब मैं पीटीटी के 80 से 90 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, लगभग 80 से 90 मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं इस चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है और आप लोगों के पास सिर्फ 1 महीने का समय शेष बचा हुआ है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपमा तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? दुस्साहिक, अनुशासिक। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? ये शब्द युग्म दिए गए हैं, ये अर्थभेद दिए गए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा क्या आंसर होगा। ऑप्शन डी अस्त्र शस्त्र, अस्त्र अस्त्र यानी कि वस्त्र निकालना। 39 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, दे सकते हैं आप लोग, और इसमें ये बोला किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तीसरा और चौथा। ओके अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खाड़ा क्या था?
ब्रिटिश काल के दौरान खाड़ा क्या था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पे खाड़ा की बात हो रही है, तो खाड़ा है गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घगर का मैदान ये कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालौर व सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में। ऑप्शन सी गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी, पाल, फला, गमेती। तो राजस्थान की भील जनजाति में गांव का जो मुखिया है पालवी कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट। सो गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? ऑप्शन बी 1907-1997। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, राव चूड़ा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राव चूड़ा। गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, डी एस दबे, सरजू प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, के वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल तथा महावत खां, खुशाल सिंह तथा राम सिंह, लाला जयदयाल तथा मेराब खां, पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला हरदयाल मेहराब खां। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? शकरिया, चरी, परिहारी, इलोड़ी। ऑप्शन बी चरी। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग असंगत है? वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर, शमीश्वेश्वर मंदिर चित्तौड़, रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर। सो गाइस अगला क्वेश्चन, वर्ष संघ के प्रधानमंत्री थे सवाई मान सिंह, भोपाल सिंह, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शोभाराम कुमावत। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस सी त्रिपाठी, सर एस के घोष, डी एस तिवारी, एम एम वर्मा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर एस के घोष। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नया वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।